राजधानी दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध लेखक व विचारक तथा राजनीतिक रणनीतिकार भास्कर राव टोकड़े ने कहा कि मैं सन 2018 में कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही दिग्विजय सिंह ने उनके कार्यालय तथा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपने करीबियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। अपने विश्वास पात्र को कमलनाथ का करीबी बनाकर उनसे मनमाफी काम लेने लगे। सरकार बनने के बाद तो वे सहयोग करने के बहाने अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण कमलनाथ की लोकप्रियता पर विपरीत असर पड़ने लगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का हस्तक्षेप न विधायक बर्दाश्त कर पा रहे थे और न आम जनता। यदि बारीकी से देखा जाए तो 2020 में कमलनाथ सरकार के गिरने के कारणों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि विधायक सरकार में दिग्विजय सिंह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर रहे थे तथा उन्हें कमलनाथ से शिकायत थी कि वो उन्हें नजरअंदाज कर दिग्विजय सिंह को क्यों महत्व दे रहे हैं। रोकड़े ने पत्रकारों को बताया कि कमलनाथ सरकार के पतन के बाद दिग्विजय सिंह खुद कमलनाथ के सलाहकार व सर्वाधिक महत्व के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने प्रदेश के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास में लिया तथा यह तय हो गया था कि पूर्व के चुनाव की तरह सन 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई भी नेता अपने समर्थकों के लिए टिकट नहीं मांगेगा, बल्कि उन सभी के समर्थकों को कमलनाथ के करीब पहुंचाकर कमलनाथ के करीबियों के रूप में प्रचारित किया जाए। जिन्हें सर्वे की जिम्मेदारी दी गई वे ऊपरी तौर पर कमलनाथ के लिए काम कर रहे थे। कमलनाथ का सर्वे जमकर प्रचारित हो रहा था, किंतु सर्वे टीम के प्रमुख दिग्विजय सिंह के अनुसार काम करे कमलनाथ लगातार कहते रहे कि सर्वे में जिसका नाम आएगा टिकट उसी को मिलेगी, लेकिन सर्वे में किसका नाम आएगा पर्दे के पीछे से यह तय खुद दिग्विजय सिंह ही करते रहे। इसके साथ ही साथ वे अपने करीबियों से कमलनाथ पर आरोप भी लगवाते रहे। कांग्रेस हाईकमान तक कमलनाथ की मनमानी भी खूब प्रचारित की गई। देखिए, दिग्विजय जी से मेरी कोई नाराजगी और लड़ाई नहीं है। दिग्विजय जी बहुत बड़े पैतरेबाज हैं। वो अपने पैतरेबाजी से कोई भी आगे बढ़ने वाला नेता होता है उसे रोक देते हैं। उन्होंने देखा कि यार मैं मुख्यमंत्री बना था, उसके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं, अगर बनता भी तो उनका बेटा बनता। कमलनाथ की बनने की बारी आ गई 2018 में, तब भी उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से जो वातावरण बना था तो उसका विरोध किया था। और अभी जो हमने सम्यक अभियान शुरू किया शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए, भाई जिसमें युवा जुड़ रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में जुड़ रहे थे, उस अभियान को रोकने का उन्होंने प्रयास किया, ओबीसी के मुद्दे को रोकने का प्रयास किया, ईबीसी के मुद्दे को रोकने का प्रयास किया, और जो किसानों को नौ क्रांति से जोड़ने का मुद्दा था उसका विरोध किया। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कारण था कि राजघरानों का विरोध था हमारे पास में। ये राजा महाराजा जो है ये किलों और महलों में रह रहे हैं, ये किले महले सरकारी है भाई। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।